गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर अकाउंटेंसी क्लास एंड दिस इज योर नेहा मैम. वी आर डूइंग चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7, डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप. ओके, इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड एज वेल एज वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिसॉल्यूशंस एंड मोड ऑफ डिसॉल्यूशंस. All the things are very important. Please go through it properly. In today's video, we are going to discuss section number 49 of Indian Partnership Act 1932. Okay? आज के हम लोग कहाँ डिस्कस करने वाले हैं? आपको सेक्शन याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है सेक्शन के बारे में. तो अभी आज हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन 49 दो चीजों से डील करती है, दो टॉपिक है इसमें. फर्स्ट इज फॉर्म्स डेप्ट, फर्म्स डेप्ट. अब फर्म्स डेप्ट क्या होता है? ठीक है, डेप्ट ओन्ड बाय फर्म टू आउटसाइडर्स. ठीक है, फर्म डेप्ट्स का मतलब होता है फर्म जो खुद से लोन या उधार या बोरोइंग्स ले रखी हैं बाहरी लोगों से. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्म्स डेब्ट. फिर से बोल रही हूँ, फर्म जो है अपने नाम पे जितने भी लोन्स डेब्ट्स उधार, ठीक है, आप जो भी समझ लो सिंपल लैंग्वेज में, ले रखी है बाहर के किसी कोई भी लोगों से, उसको हम लोग बोलते हैं फर्म्स डेब्ट. सेकंड है हमारा प्राइवेट डेब्ट्स. प्राइवेट डेब्ट्स तो इसका मतलब होता है डेब्ट ओन्ड बाय पार्टनर्स. दूसरा है प्राइवेट डेब्ट्स, इसका मतलब होता है डेब्ट्स ओन्ड बाय पार्टनर्स, मतलब जो पार्टनर ने जितने भी उधार लोन बोरोइंग्स ले रखे हैं अपने प्राइवेट यूज के लिए, जैसे उनका हो सकती है उनकी वाइफ को जेवर की जरूरत होगी तो उसको खरीदने के लिए उसने उधार किसी से लोन लिया हो, जमीन खरीदने के लिए लोन लिया हो, किसी के बीमारी के इलाज के लिए लोन लिया हो, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग. ओके, बिजली बिल पे करने के लिए लोन लिया हो, तो जो पार्टनर जो है वो खुद से प्राइवेटली जितने भी लोन ले रखे हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे प्राइवेट डेब्ट. ओके, समझ में आ गई दोनों के डिफरेंस. ओके, फिर हम लोग बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूटिलाइजेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, मतलब जो हमारा फर्म, जब हमारा फर्म बंद होने वाला है तो उसके असेट्स को या तो फिर उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको अगर हम बेच देते हैं तो उसका हम लोग क्या यूटिलाइजेशन करेंगे, मतलब उसका यूज़ क्या करेंगे. ओके, हाउ टू यूटिलाइज दैट फंड. ओके, तो ये कहता है सेक्शन 49 कहता है कि फर्म का प्रॉपर्टी आप बेचे हैं तो सबसे पहले आप फर्म का डेब्ट चुकाएंगे. ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर पे आप क्या करोगे, फर्म का डेब्ट को रीपे करोगे. ठीक है, पे करोगे, आप समझ जाओ. और सेकंड में क्या कहता है कि तब अगर आप कुछ बच जाता है तो आप क्या करो, प्राइवेट डेब्ट पे कर सकते हो. प्राइवेट डेब्ट, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे प्राइवेट डेब्ट कैसे आ गया, ऐसे आता है क्योंकि आप अल्टीमेटली जो अगर फर्म डेब्ट को देने के बाद अगर जो भी पैसा बचता है या फिर मनी बचती है वो किसको मिलती है, अल्टीमेटली पार्टनर्स को मिलती है. तो वो लोग को जो पार्टनर्स को मिला हुआ है उससे पार्टनर्स अपना प्राइवेट डेब्ट चुका सकते हैं. सेकेंड इज प्राइवेट डेब्ट. ठीक है, एट द सेम टाइम अगर हमारा जो पार्टनर है उसका अगर हम प्रॉपर्टी बेचते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी प्राइवेट डेब्ट को पे करेंगे. ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट डेब्ट. अगर आप कोई भी
पार्टनर अपना प्राइवेट अपना जमीन बेच दे, घर बेच दे, तो सबसे पहले उससे क्या करेगा, अपनी प्राइवेट डेब्ट को पे करेगा. ओके, देन वो अगर कुछ बच जाता है तो वो क्या करेगा, फर्म की डेब्ट भी पे कर सकता है, अगर ऐसा एग्रीमेंट है तब. फर्स्ट व्हाट ही विल डू, पे द प्राइवेट डेब्ट. एंड सेकेंड में व्हाट ही विल डू, ही विल पे द फर्म्स डेब्ट. तो ये चीजें क्लियर हैं आपको. अब हम लोग देखते हैं व्हाट टू डू इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हमें मेनली करना क्या है, व्हाट टू डू. इस चैप्टर में हमें करना क्या है, सबसे पहली बात हमें जर्नल एंट्री सीखनी है. जर्नल एंट्री सीखनी है. और दूसरा क्या करना है, आपको बहुत सारे लेजर अकाउंट बनाने हैं. दूसरा आपको लेजर अकाउंट बनाने हैं. तो लेजर में भी बहुत सारे अकाउंट्स बनाने हैं आपको, लाइक रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि आप लोगों ने बहुत बना चुके हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट है. रियलाइजेशन अकाउंट. सेकेंड में आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दिस इज ऑल्सो नोन टू यू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये दो तरह का होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग. ओके, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग. दिस ऑल यू हैव स्टडीड इन द पास्ट वीडियो, बट स्टिल आई एम राइटिंग फॉर यू. देन पार्टनर्स लोन अकाउंट. इस चैप्टर से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसलिए कुछ भी डिलीटेड नहीं है. ओके, अगर आपको गिवन है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा. इफ देर इज गिवन इन अ क्वेश्चन देन ओनली. ओके, और लास्ट में आपको बनाना है कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट. ओके, ये सारी चीजें आपको बनानी है. अब हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्री बहुत सारी करनी होती है. कभी कभी तो आपको क्वेश्चन में एग्जाम में दे दिया जाता है कि आपको सिर्फ जर्नल एंट्री बना करके आनी है. ओके, तो आपको भी आज हम लोग जर्नल एंट्री लिख लेते हैं. आज मैं बस आपको नोट्स दे रही हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा. जर्नल एंट्रीज. ओके, तो सबसे पहला जर्नल एंट्री मैं हेडिंग डालते जाऊंगी और आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट फोर क्लोजिंग ऑफ असेट्स. पहला एंट्री किसके लिए है, फॉर क्लोजिंग ऑफ असेट्स. ठीक है, तो यहाँ पे सब लोग रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. अकाउंट डेबिट टू असेट्स. अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, सिर्फ असेट्स नहीं लिखोगे, मतलब आपको लैंड बिल्डिंग मशीनरीज जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जितनी भी असेट्स होगी सबका आप एक लाइन से नाम लिखोगे वन बाय वन. ओके, और यहाँ पे आप किसको नहीं लिखोगे. ठीक है, सबसे पहले तो इंक्लूडिंग गुडविल, मतलब यहाँ पे गुडविल भी आप इंक्लूड करोगे. ओके, यहाँ पे गुडविल का कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं होता है, यहाँ पे आपको गुडविल को भी इंक्लूड करना है, बट एक्सक्लूड भी करना है किसी किसी चीज को. तो यहाँ पे मैं लिखा देती हूँ एक्सक्लूडिंग फिक्टीशियस एसेट्स. फिक्टीशियस एसेट्स को आपको इंक्लूड करना है. जैसे फिक्टीशियस एसेट्स कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस देन है आपका PNL जो आपको दिखाई देता है असेट्स के तरफ. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो दिखाई देंगी उसको आपको क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है. नेक्स्ट एंट्री नंबर टू है फॉर क्लोजिंग ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस. जितने भी लाइबिलिटीज या फिर प्रोविजन उसको हम कैसे क्लोज करते हैं, तो जस्ट अ पॉजिटिव एंट्री टू रियलाइजेशन
अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज, अकाउंट डीआर, प्रोविजंस अकाउंट डीआर, ओके। थर्ड जो एंट्री होगी वो होगी फोर सेल या फिर रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, जो हम लोग बीच में असेट्स को सेल कर रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं उसकी एंट्री है। सबको आपको मैं इस क्वेश्चंस बनाते हुए समझाऊंगी, सो प्लीज़ डोंट बी पैनिक, यू जस्ट नोट डाउन द नोट्स गिवन टू यू, ओके। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिकॉर्डेड, दो तरह की असेट्स होती हैं, रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड। जो आपको बैलेंस शीट में दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डेड, एंड जो बैलेंस शीट के बाहर दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं अनरिकॉर्डेड। असेट्स भी होती हैं, लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। आप जब भी कोई असेट्स को बेचते हैं देन आपको मिलता है कैश टू रियलाइजेशन, ओके। देन एंट्री नंबर हमारा फोर हो जाता है, फोर टेक ओवर ऑफ असेट्स या बाय पार्टनर्स, असेट्स टेक ओवर की, ओके। दिस इज ऑल्सो रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। यहाँ पे हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देन नेक्स्ट इज फिफ्थ, टू पे ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज, टू पे ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज, अगेन रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, ओके। देन इसकी हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश, ओके। नेक्स्ट है हमारी एंट्री नंबर सिक्स, ओके। इसमें है हमारा टू टेक ओवर लाइबिलिटीज का है, टू टेक ओवर लाइबिलिटीज की एंट्री है बाय, कोई पार्टनर अगर लाइबिलिटी ले लेता है तो क्या होगी एंट्री, ओके। देन इट कैन बी रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड अगेन, ओके। तो यहाँ पे इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। एंट्री नंबर सेवन, व्हेन एन असेट्स इज गिवन टू अ लायबिलिटी, व्हेन एन असेट्स इज गिवन टू अ लायबिलिटी, मतलब मान लो आपके पास 10,000 का असेट्स है, 10,000 की लायबिलिटी भी है, तो लायबिलिटी को आप क्या करो, 10,000 की असेट्स दे दिए, ठीक है, तो उसमें क्या एंट्री होगी, इट कैन बी रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, असेट्स और लायबिलिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, नो एंट्री करते हैं, ओके। फिर हमारा एट में है एंट्री फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ओके।
शॉर्ट फॉर्म। तो सबसे पहले अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में बहुत सारे केसेस होते हैं, ओके, केस नंबर वन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको वन कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म, मतलब अगर एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब होता है कि अगर रियलाइजेशन मतलब होता है असेट्स को बेचना और रियलाइज करना, तो अगर इस ये भी एक काम होता है, इस काम के लिए भी लोग बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अगर ये एक्सपेंस को फर्म बेयर करना चाहती है और फर्म ही पे करेगी तब क्या जर्नल एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, केस नंबर टू। रियलाइजेशन इज बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर्स, ठीक है। अगर फर्म बेयर कर रही है बट पे कौन कर रही है? पार्टनर, तो क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड केस में क्या कर हो रहा है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर्स एंड पेड बाय फर्म, उसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके। देन फोर्थ, रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय पार्टनर्स एंड पेड बाय पार्टनर्स। तो ये हो जाएगा आपका नो एंट्री, ओके। देन लास्ट इज पार्टनर्स इज पेड फिक्स्ड कमीशन रिमनरेशन या फिर फिक्स्ड अमाउंट। इस केस में क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और भी बहुत सारी है जनरल एंट्रीज, ओके, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट इज़ बिकमिंग टू लॉन्ग। सो थिंग इज दिस, कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में बहुत सारे केसेस हैं। केसेस कितने सारे हैं? 5 केसेस है, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद डिसाइड करना है कि कौन सा केस होगा एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू पास द जनरल एंट्री, ओके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू आइडेंटिफाई बाय योरसेल्फ बाय रीडिंग द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द हु इज पेइंग द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड इट इज मैचिंग विच ऑफ द केसेस, ओके। सो बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग दैट, ओके। सो आई एम एंडिंग माई वीडियो हेयर ओनली। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द मोर जनरल एंट्रीज। टिल देन कीप सेफ, स्टे होम। थैंक यू।